गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम एम्प्लॉय साइड डिपार्टमेंट वर्किंग इन RPIT कॉलेज कैंपस खाना। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लेट एक्स बी अ नॉर्मल वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखो, मेरे पास वही है एफ ऑफ एक्स, मेरे पास क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहेगा, है ना, जिसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1/σ√2π इंटू ई की पावर -k/2 एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा। और x की वैल्यू मेरे पास वही है, x की वैल्यू मेरे पास -∞। दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व, ये नॉर्मल कर्व की मेरे पास इक्वेशन थी, हमने पता है डिपेंड किस पे थी? मीन पे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे। फॉर डिफरेंट, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा वी गेट डिफरेंट कर्व। अगर मैं इसका, देखो मीनिंग क्या है, अगर मैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को चेंज करा तो मेरे पास जो कर्व बनेगा वो डिफरेंट कर्व ये मिलेगा अगर मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए वी गेट डिफरेंट कर्व एंड हेंस डिफरेंट एरिया। तो फिर मुझे पता है डिफरेंट कर्व बनेगा तो मेरे पास क्या डिफरेंट एरिया मिलेगा, और डिफरेंट एरिया मुझे मिलेगा किसके, कब मिलेगा? जब मेरे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ म्यू एंड समेशन, नहीं इसमें समेशन ही बोलते, सीमा। तो हेंस जो डिफरेंट वैल्यूज एरिया की, फॉर डिफरेंट, देखो मेरे पास क्या है, फॉर डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, अगर मैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर चेंज कर रहा तो उससे क्या होगा, उस कर्व में मेरे पास क्या डिफरेंट आएगा, डिफरेंट कर्व आने से मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंट ही मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन द नॉर्मल वेरिएबल एक्स मे बी एक्स बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजिंग करते हैं द नॉर्मल वेरिएबल एक्स बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। मैं क्या करता हूँ, जेड की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा पुट करता। तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, जेड पुट करता हूँ। तो इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, जेड पुट करता हूँ, तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स 1/σ√2π ए की पावर -1/z का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो z है, जो वैल्यू आई है z, जो z की जो वैल्यू आई है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू जेड को हम डिनोट करते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मेरे पास क्या बना, जहाँ पर भी ये वैल्यू थी मेरे पास वहाँ पर क्या आएगा, जेड आ जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो जहाँ पर वो दिस वैल्यू थी मेरे पास जेड आ गया, तो द कर्व वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ जेड, अभी इसका नाम दे दिया फाइव ऑफ जेड।
is known as standard normal curve, and the definite integral 0 to z1 phi of z with respect to z is known as normal probability integration. Normal probability integral, क्या बोलते हैं, तो normal probability integral, जब मैं इस कर्व को देखूँ, मैं इसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से z1 phi of z with respect z is known as probability, normal probability integral, normal probability integral. बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू.